That's a part of the journey. That's a part of your journey. I mean, sometimes everything don't always pan out the way I wanted to pan out. I'm just talking about in life. But I stand right back up, I get up, and we live another day. So each and every day, you got to realize this. We always got a choice, and we always got a chance. And you guys need to go out there and take that chance and believe in yourself. So अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं. ये मेरे लिए एक बहुत ही अनयूजुअल टाइम है. इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम इस टाइम पे एक वीडियो शूट करना कब स्टार्ट किया था. यूजुअली हम फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ट्रेन करते हैं और ऐसे ही शेकर में प्री वर्कआउट लेके जाते हैं, पर इसके अंदर आज प्री वर्कआउट नहीं है क्योंकि मैं दिन का सारा कैफ़ीन 12 बजे के बाद कट ऑफ करता हूँ. तो इसके अंदर मैंने अमीनो एसिड्स, नमक और थोड़ा सा सिट्रलिन, ये 3 चीज़ें डाली है बहुत सारे पानी के साथ, ताकि हमें आज के लेग वर्कआउट के लिए अच्छा हाइड्रेशन, अच्छा पंप और अच्छे खासे इलेक्ट्रोलाइट्स मिले. अब हम 4:30 को क्यों ट्रेन कर रहे हैं? इसका रीज़न यह है कि हम कल सुबह ट्रेन करने के बाद एक इवेंट के लिए मुंबई गए थे, जिससे हम अभी लिटरली 3 घंटे पहले लौट के वापस आए हैं. मैं ये जो भी डे ट्रिप्स मुंबई पे जाके करता हूँ वो ऑनेस्टली मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं. एस्पेशली हम जैसे जिम जाने वाले लोगों को, जिनको जिम के अलावा न्यूट्रिशन और रिकवरी, ये आउटसाइड द जिम वाले फैक्टर्स भी बैलेंस आउट करने होते हैं, उनके लिए तो इट इज़ अ रियल चैलेंज. पर ये इवेंट मेटा ने ऑर्गेनाइज़ किया था और ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लेजेंडरी अनडिफीटेड चैम्पियन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर से मिल पाए एंड बहुत ही अनरियल मोमेंट था. उसे हमारी फिजिक भी पसंद आई, जो एक काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है. आई कुडंट बी हैप्पियर. पर ओवरऑल इवेंट मेरे ज़िंदगी का पहला इवेंट होने की वजह से सिक्योरिटी कितनी टाइट थी इसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ. ये इवेंट मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट किया गया था. BKC1 में मेटा का एक ऑफिस है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है. फिर रिसेप्शन पे जाना पड़ा और उन्होंने चेक किया कि मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में है कि नहीं. और जब उन्होंने देखा कि नाम है, मुझे फ़ोन पे एक OTP आया, फिर एक टेम्पररी पास बनाना पड़ता है, फिर एक QR कोड आता है. ये सारे प्रोसेस के बाद वापस सिक्योरिटी चेक होता है, फिर हम उस इवेंट के एक्चुअल लोकेशन पे जाते हैं. एंड मेटा का ऑफिस इन जनरल बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था. वहाँ पर VR हेडसेट्स ऑलमोस्ट हर जगह थे, LED स्क्रीन्स, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे 2050 में छोड़ दिया है. और वहाँ पर के लिफ्ट में भी सीन था. यहाँ हमारी जो लिफ्ट होती है, अप एंड डाउन बटन्स होते हैं, राइट? इवेंट ख़त्म होने के बाद मुझे जाना था नीचे, ऊपर लेके घर जाना था, पर वो अप डाउन बटन्स ही नहीं थे. मैं ऐसे भटक रहा था इधर उधर कि बटन किधर है. ज़मीन से ऐसे एक स्टैंड है जिसके ऊपर उन्होंने एक iPad रखा है, फिर ऐसे हाथ ये करके फिर डिस्प्ले चालू होता है, फिर बटन दबाना पड़ता है. कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक था. पर मैं एथलीट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि हम पूरी तरीके से एक एथलीट नहीं है, पर जो डिसिप्लिन एक एथलीट को बनने के लिए लगता है, आई फील लाइक उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ. इवन दो मेरा बॉक्सिंग से, उस स्पोर्ट्स से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, द रीज़न कि मुझे इस इवेंट पे जाना था वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिज ऑरा एंड टेक अवे अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम. तो फोटो सेशन के पहले एक रैपिड फायर Q&A सेशन हुआ था, उसमें वो मेंशन कर रहा था कि वो ज़िंदगी में एक भी बार आउट ऑफ शेप नहीं रहा है, और आई थिंक वो अभी 47 या 48 ईयर्स ओल्ड है, लगता बिल्कुल नहीं है. ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसके मिड 20s में है. उसकी एनर्जी बहुत हाई है, वाइब बहुत हाई है, पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो हम हमारे आर्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे. पर बाउंसर्स भी बहुत थे, ऐसे 12-13 जन ऐसे लाइंड अप थे. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. होपफुली वील हैव मैनी मोर इवेंट्स टू अटेंड. और वहाँ पर हम काफ़ी सारे क्रिएटर्स से भी मिले. अब मेरा सीन यह है कि आयरॉनिक है, मैं खुद एक क्रिएटर होके इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए उस रूम में एंटर करते करते सबसे पहले मुझे बहुत लेफ्ट आउट लगा.
क्योंकि सारे चेहरे मेरे लिए नए थे. लाइक नो हेट टू एनीबडी, पर मैं किसी को ऐसे इंस्टेंटली रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया. पर धीरे धीरे बातें हुई, थोड़े बहुत कनेक्शंस बिल्ड हुए. बट सब लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छा है कि तू कंज्यूम नहीं करता, इट्स अ गुड थिंग. और मुझे करना भी नहीं है, मुझे मेरा जो रूटीन है वो बहुत अच्छा लगता है. पढ़ना, जिम जाना, अब कोचिंग की वेबसाइट का काम चल रहा है बैकग्राउंड में, वो सेटअप करना, एंड क्रिएटिंग मोर देन आई कंज्यूम इज़ वॉट आई ऑलवेज लाइक. सो अच्छा एक्सपीरियंस था. अब हम जाके एक इवनिंग लेग डे लगाते हैं. नील का फ़ोन आ रहा है, आज हम उसकी गाड़ी से जाएंगे. हेलो, हाँ, इज योर कार फ्री? ठीक है, चल, आई एम डाउन, आ जा, लेट्स गो. टायर्ड? आई एम ऑल्सो टायर्ड, बट आई कांट टेक प्री ब्रो. लकी ब्रो. I was Floyd. Very nice guy, bro. He liked our physique, bro. Yeah, yeah, obviously. और क्या चाहिए, bro? चला. एक जेंटल रिमाइंडर कि मसल ब्लेज की ग्रेट परफॉर्मेंस सेल सिर्फ कल तक लाइव है, तो अपने सारे सप्लीमेंट्स को रिस्टॉक करने के लिए सेल का फायदा जरूर उठाना. और अगर आपको बजट पे एक अच्छा खासा प्रोटीन चाहिए तो मैं इस प्रोडक्ट की लिंक भी नीचे डाल दूंगा. इसके हर सर्विंग से मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है. अगर आप चेकआउट पे कोड साकेत30 इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा. Let's go, man. Let's go. One more. All you. Oh my god. One more. You got it. Push. Nice. Not done yet. One more. So Pune Mumbai, इतना अप डाउन करने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड जो मुझे नोटिस हो रहा है वो है कि जिस दिन मैं मुंबई जाता हूँ उस दिन मेरे मील्स अच्छे से सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि मैं घर से कम 2 टिफिन कैरी करके लेके जाता हूँ. सो मुंबई जाते वक्त मैंने एक टिफ़िन में आलू और एक टिफ़िन में प्रोटीन ओट्स, ऐसे 2 टिफ़िन कैरी किए थे. तो जाने वाले दिन का जो न्यूट्रिशन था, प्रोटीन गोल था, वो सब कंप्लीट हुआ. पर आज आते वक्त मेरे पास कोई टिफ़िन नहीं था, इसीलिए इस ट्रेनिंग सेशन के पहले जब मैं जस्ट घर पहुंचा, मेरे पेट के अंदर सिर्फ एक वड़ा पाव था जो मैंने थाने स्टेशन को ख़रीदा था, पर वो भी मैंने 8 बजे खाया. और घर आने के बाद मुझे पता था कि मेरे पास फूड डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 या 3 घंटे हैं, इसीलिए अगर मुझे मील कंज्यूम करना है तो एक ही मील मुमकिन होगा. सो मैंने
मील पार्ट वन के लिए ये खाया। ये मेरा नया फेवरेट बल्किंग मील है। ये बेसिकली अंडा भुर्जी है, 4 होल एग्स और 150 ग्राम आटे के फुलके। ये मील पार्ट वन। और मील पार्ट टू ये था, 160 ग्राम्स ऑफ ओट्स और 1 स्कूप वे। अब इस मील के टोटल न्यूट्रिशन में ऑलमोस्ट 180 टू 190 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, जिसकी वजह से मुझे ट्रेन करने के जस्ट पहले इतना बड़ा क्रैश आया कि मुझे इन अ वे प्री वर्कआउट लेने का टेम्पटेशन आया था। बट आई न्यू कि अगर हमने अभी प्री वर्कआउट लिया तो हम रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे। पर अवधूत आने के आधे घंटे पहले मैं आउट था, कार्ब क्रैश की वजह से मैं लेटा हुआ था। आई वॉज यॉर्निंग अ लॉट, आई वॉज वेरी टायर्ड। पर फिर यहाँ आके वार्म अप्स लगाने के बाद जब बॉडी और ब्रेन में थोड़ा सा ब्लड फ्लो आता है, तब इट नेचुरली वेक्स यू अप अ लिटल। ऑलमोस्ट 2-3 सालों के लिए हम हैमस्ट्रिंग्स के मेन मूवमेंट के लिए सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल लगाते थे, पर जब एवॉल्व इस नए जिम में मूव हुआ तब उन्होंने ये हैमस्ट्रन की लाइंग लेग कर्ल मशीन ली थी। इस मशीन के साथ जो मुझे कॉन्ट्रैक्शन मिलता है वो सीटर से नहीं मिलता। अग्रीड कि इस पर एक इतना अच्छा स्ट्रेच नहीं मिलता, पर ओवरऑल इफ़ आई हैड टू पिक जस्ट वन, आई थिंक इट वुड बी दिस मूवमेंट नाउ। और इस मूवमेंट पे हम काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। फुल स्टैक रैप आउट करने के लिए सिर्फ 3 प्लेट्स बचे हैं। सो आज इसके साथ समवेयर बिटवीन 40 टू 50 सेकेंड्स हम फेल करने की कोशिश करेंगे। और हैमस्ट्रिंग्स इस पूरे प्रेप में भी काफ़ी ग्रो हुए, जस्ट बिकॉज मैं मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा। तो आप देखोगे जो पीक कॉन्ट्रैक्शन होगी वहाँ पर 1 सेकेंड का पॉज होगा, और नीचे जाते समय आपको मेरे हैमस्ट्रिंग्स धीरे धीरे स्ट्रेच आउट होते हुए दिखेंगे। सो गुड रैप्स ओनली। Not done yet. Help. One more. Yeah. Not done yet. Not done yet. So, जब लोग कहते हैं कि प्री वर्कआउट लेने से प्री वर्कआउट के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, अभी आजकल मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू नहीं है। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मेरे पास पैसे हैं और अगर प्री वर्कआउट मेरे सामने अवेलेबल है, तो सिंस मैं सुबह सुबह ट्रेन करता हूँ, सिंस मेरे पास प्री वर्कआउट ऑलरेडी है, प्री वर्कआउट लेने से वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन मेरे लिए ज़्यादा एन्जॉयबल बन जाता है, और मुझे उस ट्रेनिंग सेशन में बेहतर पम्प्स, बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर एनर्जी मिलती है। ऐसा बहुत बार हो चुका है, अगर मैं दोपहर को ट्रेन करने के लिए जाता हूँ, या आज हम लिटरली शाम को ट्रेन करने के लिए आया है, अभी मेरे बॉडी के अंदर 0 कैफीन है, बट आई एम स्टिल हैविंग एज गुड ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन। अगर हाइपोथेटिकली मेरी प्री वर्कआउट के ऊपर डिपेंडेंसी रहती तो मैं प्री वर्कआउट से इतना अडिक्टेड हो जाता कि आज मैं उसके बिना ट्रेन ही नहीं कर पाता। आई फील लाइक ये सबसे अच्छा तरीका है जानने के लिए अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सचमुच अडिक्टिव है या क्या वो सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा है। मैं इसे इस प्रकार विजुलाइज करता हूँ, अगर प्री वर्कआउट के बिना मेरी ट्रेनिंग सेशंस 10 out of 10 जा सकते हैं, तो प्री वर्कआउट लेने के बाद वो सेम ट्रेनिंग सेशंस मैं 11 out of 10 लेके जा सकता हूँ। सो विदाउट द सब्सटेंस मुझे ट्रेनिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है कि मुझे किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस या एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रेट सेशन।
Not done yet. Not done yet. सो मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया कि मस्क्यूलर फेलियर के अलग अलग लेवल्स होते हैं, और जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे आप फेलियर के अल्टीमेट लेवल तक धीरे धीरे अप्रोच करते हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं नील को या दूसरे वाले आर्यन को उनके सेट्स लगाते हुए देखता हूँ तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि यस वो फेलियर तक जाते हैं, पर वो लेवल वन या लेवल टू फेलियर तक जाते हैं। आई फील लाइक जैसे आपका ट्रेनिंग करियर एडवांस होगा वैसे आप एक ऐसे फेलियर के पॉइंट तक पहुंचोगे जहां पर आप एब्सोल्युटली मूवमेंट लगा ही नहीं सकते। ये जो लेग एक्सटेंशन का सेट था वो फेलियर के बाद दो पार्शल्स के बाद एक ऐसा पॉइंट आया दैट आई सिंपली कुडंट मूव द वेट। आई फील लाइक ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मस्क्यूलर फेलियर है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी अभी लिफ्टिंग स्टार्ट किया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको मास्टर करने की कोशिश करनी चाहिए वो है फेलियर के अलग अलग लेवल्स अनलॉक करना। मे बी फर्स्ट स्टेप ये हो सकती है कि आप अपने सारे सेट्स फेलियर तक लेके जाओ, जब आप वो अचीव करते हो उसके बाद ट्राई टू डू सम पार्शल रेप्स। मे बी अगर आप एक ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ट्रेन करते हो तो उनसे थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट और थोड़ा सा पुश लो। बट द मोर यू कैन गेट कम्फर्टेबल विथ रीचिंग further levels of failure, the more benefits you will obtain from each and every set that you do. That is what I'm trying to say. और इसके पीछे सिर्फ एक physical component नहीं है, I feel like ज़्यादातर आपके brain में रहता है। अगर एक beginner को failure जाने की आदत नहीं है तो उसके brain के हिसाब से failure मतलब बाप रे, like बंद करो, brain signals भेजता है because brain को fear है और brain आपको protect करने की कोशिश कर रहा है। But देयर विल कम अ डे जहाँ पर आप इससे इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए फेलियर का एकदम अल्टीमेट स्टेज अचीव कर पाओगे। जब मैं देओन के साथ ट्रेन कर रहा था तब मैंने उसको ट्रेन करते वक्त ये देखा कि मेरी जो मस्क्यूलर फेलियर की स्टेज थी उसके बियॉन्ड भी एक और स्टेज है। सो ट्राई टू ट्रेन विथ पीपल मोर एक्सपीरियंस देन यू, उससे आपको अपने ट्रेनिंग करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे सारे मसल ग्रुप्स एक एक करके देखेंगे तो अगर चेस्ट ही बात आती है तो मैं कहूँगा कि मेरे चेस्ट वर्कआउट्स काफ़ी सॉर्टेड है दोनों प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सरसाइज सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर एक प्रेस की बात की, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जो अच्छे से फील करते हैं और जिन पे मैं बहुत सारे महीनों के लिए या सालों के लिए प्रोग्रेस कर सकता हूँ, और ऐसे मूवमेंट्स चूज़ कर सकता हूँ जिन पे मैं अच्छे से मोमेंटम बिल्ड करके प्रोग्रेस कर सकूँगा। आई फील लाइक बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए मोमेंटम एक बहुत ही अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। अब अगर मेरे टूल बॉक्स में दो अच्छे प्रेसेस होंगे जैसे इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस और मशीन चेस्ट प्रेस, तो अगर मुझे एक से बोर होता है तो मैं बहुत आसानी से दूसरे वाले प्रेस पे स्विच कर सकता हूँ, एंड द थिंग इज़ दैट आई लाइक बोथ इक्वली वेल। तो वैसे अगर चेस्ट का देखा, चेस्ट सॉर्टेड है, बैक भी सॉर्टेड है। बैक तो मैं कहूँगा मेरे पूरे बॉडी का सबसे सॉर्टेड मसल ग्रुप है, हैमर स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन, हैमर स्ट्रेंथ मशीन रो, यही मैं पिछले 3-4 सालों से लगाता आ रहा हूँ। रिसेंटली आर्म्स भी काफ़ी सॉर्ट हो गए हैं, बाइसेप ट्राइसेप की ट्रेनिंग, हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत सॉर्टेड है, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल और सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल। पर मैंने नोटिस किया है कि क्वाड्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो मैं अभी तक ठीक से फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ,
और आई फील लाइक यही रीज़न है कि मेरे पूरे फिजिक में आई थिंक मेरे क्वाड्स सबसे ज़्यादा वीक है इन टर्म्स ऑफ मसल मास। मे बी विजिबली वो बहुत ही एस्थेटिक दिखेंगे क्योंकि बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज मैं अपने क्वाड्स के अंदर ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर नहीं करता, इसीलिए एक फ्रंट पोज में जहाँ पर अपर बॉडी भी फ्लेक्स्ड है क्वाड्स भी फ्लेक्स्ड है तो वो काफ़ी एस्थेटिक दिखते हैं। पर अगर हम मसल टिश्यू की बात करें तो आई फील लाइक दैट इज़ एन एरिया जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स बना सकता हूँ। पर उसके लिए ना मुझे एक अच्छी खासी ब्रेड एंड बटर क्वाड प्रेसिंग मूवमेंट ढूंढनी है। लेग एक्सटेंशन के साथ मेरी काफ़ी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है। कुछ महीनों के लिए मुझे कोई जॉइंट पेन नी पेन नहीं आता और मैं अच्छे से सारा टेंशन अपने क्वाड्स में टारगेट कर सकता हूँ। पर जो मेन क्वाड की प्रेसिंग मूवमेंट है उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है ओवर द ईयर्स। मैंने स्मिथ स्क्वाट्स ट्राई किया है, बारबेल स्क्वाट्स ट्राई किया है, जो इवॉल्व में वी स्क्वाट मशीन है वो ट्राई किया है, लेग प्रेस ट्राई किया है, पर मैं कभी खुद को इन मूवमेंट्स पे मोमेंटम गैदर करते हुए नहीं देखता। आई फील लाइक वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेग प्रेस पे भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मैं इतना प्रोग्रेस करता हूँ कि फिर जॉइंट्स पे पेन आना चालू होता है, लोअर बैक थोड़ी सी राउंड होने लगती है और फिर ऐसे पॉइंट में मुझे वेट को वापस कम करके फॉर्म पे ध्यान देना पड़ता है या मूवमेंट स्विच करनी पड़ती है। इट्स जस्ट अ लिटिल वियर्ड, बट 6.5 ईयर्स लेटर मैं अभी भी इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग और एक्सरसाइज सिलेक्शन ये जो भी प्रोसेस है वो रश बिल्कुल मत करना। चांसेस है कि अगर आपने जस्ट जिम ज्वाइन किया तो आपको 3-4 महीने में आपके सारे मूवमेंट्स नहीं मिलने वाले, वो बहुत सारे सालों के ट्रायल एंड एरर से आएगा। सो जस्ट गिव योर सेल्फ द टाइम दैट यू नीड और जस्ट शो अप एवरी डे। लाइक आज हमने लेग्स किए, अच्छा वर्कआउट था, सारे सेट्स फेलियर तक थे, इट माइट हैव नॉट फेल्ट द बेस्ट या मेरे लेग डे सॉर्टेड नहीं है, पर एटलीस्ट इट इज़ वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। तो आई फील लाइक बहुत बिगिनर्स इससे डिस्करेज होते हैं। डिस्करेज मत होना, हो जाएगा सब अपने अपने टाइम पे। किसी लोगों को मूवमेंट्स जल्दी मिलते हैं, कुछ जनों को बहुत लेट मिलते हैं, बट ये रेस नहीं है और आप किसी के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर रहे हो। आई फील लाइक अगर आप ट्रूली बॉडी बिल्डिंग अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करते हो तो सिर्फ आप अपने खुद के कंपेटिटर हो। सो पेशेंट रहो, हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर डिनर बना रहे हैं, 10 होल एग्स और इस डब्बे में मम्मी ने एकदम गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं, तो अंडा भुर्जी या शायद मैं अभी एग रोल खाऊंगा थोड़े से चेंज के लिए। पर इस बल्क में, एक सेकंड गैस कम करते हैं, इस बल्क में मैं अपने फैट इनटेक का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और आई फील लाइक उससे इन जनरल बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। उसकी बातें हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट मी नो इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड। मेरे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आजकल बहुत रिसर्च करने लगा हूँ। सो सैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, इन सारी चीज़ों का जो भी रिलेशन है और ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद अपने डाइट में धीरे धीरे करना स्टार्ट किया है उसके बारे में मे बी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। Walking side.
Push. One more. One more. Solid, solid. जब से प्रेप ख़त्म हुई है और जब से मैंने एक कैलरी सरप्लस एंटर किया है, तब से मैं एक बहुत ही ओल्ड स्कूल हार्डकोर फेज़ में हूँ, जहाँ पर मुझे फ्री वेट मूवमेंट्स लगाने थोड़े से ज़्यादा पसंद आ रहा है। आई फील लाइक थ्रू आउट प्रेप इवेंचुअली हमारे हॉर्मोन्स काफ़ी नीचे जाते हैं, बट नाउ दैट मैं वापस एक सरप्लस में आने लगा हूँ, मेरी बॉडी काफ़ी नॉर्मलाइज हुई है। इसीलिए ऐसे मार्कर्स जो डिक्टेट करते हैं कि आपके हॉर्मोन्स सही है कि नहीं, वो सारे बेनिफिट्स मुझे महसूस हो रहा है। इंक्लाइंड डंबल प्रेस का पहला सेट हमने 40 केजी डंबल्स के साथ किया, एंड जस्ट होल्डिंग ऑन टू द डंबल्स, ग्रिपिंग द डंबल्स वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और पिछले सेशन में मैंने इंक्लाइंड डंबल के लिए 40 केजीज के साथ 4 रेप्स अकॉम्प्लिश किए थे एक्सट्रीमली स्लो इसेंट्रिक के साथ। आज हमें 5 रेप्स मिले, जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। अगले सेशन में हम सेम वेट के साथ 6 करने की कोशिश करेंगे, और पहला सेट इन माई ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ फोकस्ड है, एटलीस्ट सिंस हम एक सरप्लस में है। सो सेकेंड सेट के लिए हमने वेट को ड्रॉप डाउन किया और 37.5 के साथ अच्छे खासे कंट्रोल के साथ वही इंक्लाइन डंबल परफॉर्म किया। पर अगर मेरे पूरे फिटनेस जर्नी की बात की, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव एवर बीन इन माई लाइफ, और एस्पेशली स्लो इसेंट्रिक्स प्रैक्टिस करते हुए अब 4-5 महीने हो गए हैं। तो इट्स नॉट लाइक हम इस वेट को बुरे फॉर्म के साथ ऐसे 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 रैप आउट कर रहे हैं, हम सचमुच इन द मोमेंट रह के इसेंट्रिक को कंट्रोल करते हुए अपने पैक्स को स्ट्रेच करते हुए ये मूवमेंट लगा रहे हैं। सो गुड रेप्स ओनली, आई एम प्रीचिंग इट। मैं अपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और इससे सारा लोड मेरे पैक्स पे आ रहा है, दे आर गेटिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एट द सेम टाइम। आज के चेस्ट डे की अगर स्ट्रैटेजी देखी तो हम 6 टोटल सेट्स अचीव करेंगे। इंक्लाइन डंबल प्रेस के 2 हो गए हैं, अब हम फ्लैट स्मिथ मशीन प्रेस लगाएंगे। सिंपल, एक इंक्लाइन प्रेस, एक फ्लैट प्रेस और एक फ्लाई। सो इस पे आई थिंक हम मेन सेट के लिए 2 प्लेट्स रैप आउट कर पाएंगे, और फिर ये होने के बाद हम शोल्डर्स की मेन कंपाउंड मूवमेंट लगाएंगे। फीलिंग अमेजिंग, सबको बहुत अच्छा फील कर रहा है। लेट्स गेट इन द जोन और 2 प्लेट्स रैप आउट करते हैं, देखते हैं कितने अच्छे रैप्स जाते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस की वजह से पैक्स ऑलरेडी वार्म है, शोल्डर्स वार्म है, इसीलिए हम सीधा 2 प्लेट्स पे जंप करने वाले हैं। वेट लोड किया है, मैं ऑनेस्टली काफ़ी नर्वस हूँ इस मूवमेंट पे। मैं पिछले साल के मई में इंक्लाइन स्मिथ मशीन पे बुरे टेक्निक के साथ 2 प्लेट्स बेंच करता था ईगो और बाउंस के साथ, पर आज हम वेट को कंट्रोल करते हुए ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। लेट्स गेट इट। Good reps only. Oof. 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 Not done yet. One more. Not done yet. One more. One more. That was mad, bro. How many did you get? I think 7. Kitne gaye? 7 ya 8 gaye. Technique was good, na? Eccentric. What is going on, bro? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कैलरी सरप्लस ब्रो, 2500 कैलरीज ब्रो, वही था ब्रो।
अगर मैं प्रेप में इतने अच्छे सेशंस लगा सकता था, मुझे पता था जब कैलोरीज आएंगे तो ऐसा कुछ क्रेजी होने वाला है। लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो, आई एम टू हैप्पी। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Lovely. ये आई थिंक 6.5 सालों का सबसे अच्छा चेस्ट डे है। फीलिंग अमेजिंग। अब हम जाके शोल्डर्स की मेन कंपाउंड मूवमेंट लगाएंगे, डम्बल OHP। आज मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना है सेट्स के बीच में, क्योंकि मुझे सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है। सो मैं बस आपको अपडेट करूँगा कि मैं नेक्स्ट मूवमेंट क्या लगाऊंगा, उसका क्या गेम प्लान है। पर बिटवीन सेट्स ईयरफोन्स। Push. Not done yet. Help. Up. Leave. Push. Up. Not done yet. मेरे इस साल का अल्टीमेट गोल है कि मुझे लोगों को दिखाना है कि आप अच्छे टेक्निक के साथ भी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो, जिसके बेनिफिट्स क्या होंगे। आप ऑलमोस्ट पूरे साल इंजरी फ्री रहोगे, आपके जॉइंट्स पर ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं आएगा, ओवर यूज़ इंजरीज नहीं होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो भी स्ट्रेंथ किसी भी मूवमेंट पर बिल्ड कर रहे हो, वो सारे स्ट्रेंथ गेंस आपके टारगेट मसल ग्रुप पर जाएंगे। मुझे एक टाइम पर ऐसा लगा था कि अगर मैं सिर्फ स्लो इसेंट्रिक ट्रेनिंग करूँगा तो उससे मेरा स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस काफ़ी अफेक्ट होगा, बट द वे आई लुक एट इट इज़ इनिशियली अगर आपको 1 सेकेंड इसेंट्रिक 1 सेकेंड कॉन्सेंट्रिक ये लगाने की आदत है, इनिशियली जब आप एक 3 सेकेंड इसेंट्रिक पे स्विच करोगे तो आपको लोड काफ़ी हद तक रिड्यूस करना पड़ेगा। बट वेन यू बिल्ड दैट टेक्निक, वेन यू बिल्ड अप टू द लोड यू यूज टू यूज़, आपका मसल टिशू साइज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपके जो भी प्रीवियस स्ट्रेंथ प्लेटोज हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होंगे। अगर मैं स्ट्रेंथ फोकस्ड 1 सेकेंड इसेंट्रिक 1 सेकेंड कॉन्सेंट्रिक ये टेक्निक इस्तेमाल करके प्रोग्रेस करने की कोशिश करता, मे बी अलॉन्ग द वे मुझे शोल्डर पेन आता, मे बी अलॉन्ग द वे मेरा पैक मुझे बॉदर करता, बट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपका मसल सारे वीक पॉइंट से एक्सपोज होने की वजह से इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये बुलेट प्रूफ बन जाता है। जिससे 5 महीने हो गए हैं, मैं इंजरी फ्री हूँ, मुझे कोई एक सेंट पेन नहीं है एंड माई जॉइंट्स आर नाइस एंड हैप्पी। तो अब हम इवेंचुअली 40s के साथ लैडर क्लाइंब अप करते करते जब 10 रेप्स पे पहुँचेंगे तब हम 42.5 मूव करेंगे एंड इवेंचुअली हम इस जिम के सबसे हैवी डम्बल्स भी मूव करने वाले हैं, अच्छे कंट्रोल और अच्छे टेक्निक के साथ। ऐसे 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 नहीं, 3 सेकेंड डिसेंट्रिक पॉज
concentric. I feel like that is the definition of true strength. Not done yet. Not done yet. Not done yet. True failure. True muscular failure. So I don't know मैंने जिंदगी में in total कितने chest days लगाया, but nothing beats this. कल रात को हम 8.5 घंटों के लिए सोए. कल का लेग डे लगाने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि एक मील खा के आई पास्ड आउट. आई थिंक स्लीप की वजह से और कल के न्यूट्रिशन की वजह से आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया. क्या आप सब रेडी हो? आई नो हम बल्क पे हैं पर फ्रीकीनेस इतने जल्दी जाने नहीं वाली. मास मॉन्स्टर. Fibers. My God. ये वेन अभी भी है. फाइबर्स दिख रहा है. अवधूत जवाइए ये देखो क्या है. ये कट चल रहा है या बल्क चल रहा है? खतरनाक खतरनाक. सो एक और चीज़, इस बल्क के स्टार्टिंग में मैं पर डे पर मसल ग्रुप 4 फेलियर सेट से एक्सपेरिमेंट करने वाला था, पर मैं नोटिस कर रहा था कि एक्स्ट्रा कैलोरीज की वजह से मेरी रिकवरी कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव हुई है. इसीलिए हम थ्रू आउट प्रेप जो लगा रहे थे वही सेम गेम प्लान हम यहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर हम हर दिन हर मसल ग्रुप के लिए 6 हार्ड सेट्स ऑल आउट टिल फेलियर लगाएंगे, जिससे हमारा टोटल वीकली वॉल्यूम रफली 12 हार्ड सेट्स पर मसल ग्रुप होगा. आई फील लाइक वॉल्यूम एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है. हर किसी का वॉल्यूम डिफ़र करता है. ये मेनली आपके रिकवरी पे डिपेंड करेगा. अगर आप नोटिस कर रहे हो कि 6 हार्ड सेट्स टिल फेलियर से आप अगले ट्रेनिंग सेशन तक रिकवर नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने उस पर्टिकुलर दिन पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम किया. सो मे बी कट बैक, फेलियर तक जाओ, रीअसेस करो, और उससे आपको अपने पूरे ट्रेनिंग करियर में एक स्वीट स्पॉट मिलेगा. वो जब मिलता है उसे पकड़ो एंड गो मेक प्रोग्रेस फ्रॉम देयर. बट आई वुड स्टिल से अगर आप हाई वॉल्यूम के ट्रैप में अटक गए हो, जहाँ पर आप हर दिन 12-13 सेट्स लगा रहे हो, कट बैक, स्टार्ट गोइंग टिल फेलियर. देखो कि वो ट्रेनिंग स्टाइल आपको सूट करती है कि नहीं. अगर करती है देन ग्रेट, यू विल बिकम मेंटली मोर हार्डकोर. माय गॉड, क्या होगा जब हम 80 kg के होंगे? क्या होगा?
तो जापनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके एक एग्ज़ाम होती है जो बेसिकली लैंग्वेज के लेवल को अच्छे से टेस्ट करती है। और ये एग्ज़ाम देने से आपको इन अ वे एक रियलिटी चेक मिलता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी और आपकी फ्लुएंसी कितनी ज़्यादा है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये साल में दो बार कंडक्ट की जाती है, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। मैं 2022 साल से हर जुलाई और हर दिसंबर में ये एग्ज़ाम देता आ रहा हूँ, और पिछले साल के दिसंबर में यानी दिसंबर 2023 में हमने ज़िंदगी में पहली बार JLPT N1 की एग्ज़ाम अटेम्प्ट की। 5 लेवल्स होते हैं N5 से लेके N1 तक। N1 सबसे मुश्किल लेवल है, और पिछले साल के दिसंबर का जो N1 अटेम्प्ट था वो मेरा पहला चैलेंज था, और वो जो एग्ज़ाम थी वो मैं पास करने के होप्स में नहीं दे रहा था। मुझे बस देखना था कि एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन और असली प्रेशर में वो एग्ज़ाम कितनी ज़्यादा मुश्किल है। और काफ़ी बैंड बजी, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। पर इन सारी चीज़ों से मैं इतना डिस्करेज नहीं होता। इवन N2 के लिए हमें 2 अटेम्प्ट लगे थे। पहला अटेम्प्ट हमने दिसंबर 22 में दिया था, वो हम क्लियर नहीं कर पाए। फिर जब हमने वापस जुलाई में N2 अटेम्प्ट की तो वी एंडेड अप क्लियरिंग इट। इस बार के जुलाई एग्ज़ाम के लिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज अगर आप जुलाई टू दिसंबर ये टाइम फ्रेम देखोगे वर्सेस दिसंबर टू जुलाई ये टाइम फ्रेम देखोगे तो दिसंबर टू जुलाई ऑलमोस्ट 7 महीने या 8 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं कंपेयर टू जस्ट 5 मंथ्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मेरी जापनीज़ की लेवल सचमुच बड़ी है, और आई फील लाइक इस बार पास करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। 7 महीने हम हर रोज़ पढ़ाई करेंगे, अभी जैसे हमारा रूटीन चलता है वैसे ही। पर आज एक्चुअली ये फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। ये मेरी एक बहुत बुरी हैबिट है, मैं जितना चीज़ों को लास्ट पॉसिबल मिनट पे कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जो ऑब्वियसली मुझे बदलना है। अगर मैं सेम एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के फर्स्ट दिन पे देता तो इतना स्ट्रेस नहीं आता, पर आज लिटरली लास्ट पॉसिबल डे है तो हम जाएंगे वो सबमिट करेंगे। फॉर्म की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, 2 पासपोर्ट साइज्ड फोटोग्राफ्स लगते हैं और पेमेंट स्क्रीनशॉट, आधार कार्ड स्क्रीनशॉट, इन सारी चीज़ों की एक प्रिंटआउट लगती है जो हम सेल्फ अटेस्ट करते हैं। अभी उनका लंच ब्रेक चल रहा है, जैसे ही उनका लंच ब्रेक ख़त्म होता है वैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे। पर मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, इस साल जापनीज़ स्टार्ट करते हुए अब 4 साल होने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक और साल और फिर हम 5 ईयर्स इंटू आर जापनीज़ लर्निंग जर्नी होंगे, जो हाफ अ डेकेड है, माइंड ब्लोइंग। पर ये जो डिसिप्लिन है पढ़ाई करने का, इसका भी क्रेडिट मैं फुल्ली ट्रेनिंग को देता हूँ। ट्रेनिंग ने पता है मुझे क्या सिखाया? ट्रेनिंग ने मुझे ये सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। इट इज़ नॉट अबाउट आप एक दिन में कितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो या एक दिन में कितनी मेहनत करते हो। हर दिन किसी चीज़ को 1 घंटा करने की वजह से अगर आप वो चीज़ ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स करोगे तो फिर आप उस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टर बनते जाओगे। तो कंपाउंड इफेक्ट, उसे अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू डू वन डे, चीज़ करो, हर रोज़ करो और उसे करते जाओ, आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ में एक्सपर्ट बनोगे। और बहुत लोग स्टार्ट करने से अटकते हैं क्योंकि लोगों को बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल स्टडी रूटीन, बेस्ट एटमॉस्फियर, वो क्या करते हैं लोग, वो जो प्लांट रहता है वो टेबल पे रखते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। आई फील लाइक ऑल दोज थिंग्स आर बुलशिट। अगर आपको इंटरनली कुछ करना है तो आपको एक पौधे की ज़रूरत नहीं होगी इस एग्ज़ाम्पल में। तो बस करो यार, हर रोज़ एक चीज़ करो। मैंने अभी अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला सेइंग कि सब किसी ना किसी चीज़ में पैशनेट होते हैं, आप किस चीज़ को लेके पैशनेट हो वो ढूंढो और उस चीज़ को सालों तक करते रहो, आप उस चीज़ में एक मास्टर बनोगे। अभी हम
इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन के बहुत करीब है। आई नो कि ये स्क्रीन पे सिर्फ एक नंबर है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरा जो 16 साल का वर्जन था उसे दुनिया को दिखाना था कि पैशन एक ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कर सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। चेस्ट डे, बेस्ट डे, नॉट डन येट, टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।